हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो वी आर गोइंग टू डू रिविजन। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वाइल्ड एनिमल्स। इट्स आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस। वाइल्ड एनिमल इज एन एनिमल दैट इज नॉट डोमेस्टिकेटेड और टैम्ड। इट लिव्स ऑन इट्स ओन विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम पीपल। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो डोमेस्टिक और टैम्ड नहीं होते। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? घरेलू। ठीक है, क्या होता है? घरेलू नहीं होते हैं और ना ही पालतू होते हैं। वो खुद अपने ऊपर डिपेंड होकर जीते हैं। वो किसी भी पीपल्स या किसी भी लोगों की मदद नहीं लेते हैं। ठीक है, अ वाइल्ड एनिमल फाइंड इट्स ओन फूड शेल्टर ऑल अदर नीड्स इन अ नेचुरल हैबिटेट। व्हाट इज हैबिटेट? प्लेस ऑफ लिविंग। ठीक है, किसी भी एनिमल के रहने के जगह को हम उस एनिमल का हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, तो ये अपना खाना, अपना घर और दो इसके इनके जरूरत की दूसरी चीज़ें होती हैं वो अपने ही हैबिटेट यानी कि प्लेस ऑफ लिविंग रहने की जगह से ले लेते हैं। ठीक है, और इनका जो नेचुरल हैबिटेट होता है वो क्या होता है? फॉरेस्ट होता है, यानी कि जंगल वाइल्ड एनिमल का नेचुरल हैबिटेट होता है। एनिमल लाइक लायंस, वोल्व्स, टाइगर, लियोपॉड, एलिफेंट, जिराफ, रेड पांडा, ज़ेब्रा, बियर, डियर, फॉक्सेस, crocodile, turtle, snake, eagles, hawks, all and are some example of wild animals। जितने सारे यहाँ animals लिखे हुए सब wild animals होते हैं। आप यहाँ picture देख सकते हैं, ये elephant है, ये कौन है? ये है lion, इसको तो सभी लोग जानते होंगे। ये है bear, fox, tiger, leopard, snake, monkey, यहाँ भी monkeys हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि क्या है, forest का एक scene है। तो आपने देखा ये नेचुरल हैबिटेट इन एनिमल्स का, कौन से एनिमल्स हैं? वाइल्ड एनिमल्स हैं। ठीक है, देखते हैं। वी कैन ऑल्सो सी सम ऑफ द कॉमन वाइल्ड एनिमल्स इन जू। आप लोग में से कई बच्चे जू गए होंगे, मैक्सिमम गए होंगे, तो आपने वहाँ एनिमल्स को देखा होगा जो कि पिंजरे में बंद रहते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। तो कुछ ऐसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम जू में देखते हैं, जैसे एलिफेंट्स को देखते हैं, टाइगर्स को देखते हैं, लियोपॉड को भी देखते हैं, लायन को भी देखते हैं, फॉक्स को भी देखते हैं और बियर को भी देखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे और भी एनिमल्स हैं, जिराफ को देखते हैं। ठीक है, तो वाइल्ड एनिमल्स को हम कहाँ? जू में भी देख सकते हैं। वाइल्ड एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ होम्स एंड ईटिंग हैबिट्स। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनका जो होम होता है ना वो बहुत अलग अलग तरीके का होता है। जैसे एक वाइल्ड एनिमल है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी वाइल्ड एनिमल एक ही टाइप के घर में रहते हैं, सब अलग अलग घर में रहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, अब हम वाइल्ड एनिमल्स के होम्स को पढ़ेंगे। लाइक अस, ऑल एनिमल नीड शेल्टर टू लिव इन, अ शेल्टर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड एनिमीज। देयर शेल्टर आर देयर होम्स, सम एनिमल मेक देयर होम्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे हमें रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है, छत की ज़रूरत होती है, वैसे सभी एनिमल्स को रहने के लिए किसी जगह की ज़रूरत होती है, छत की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसमें ये हमें क्या करता है, जो ये घर होता है ये हमें हीट, कोल्ड, रेन और दुश्मनों से बचाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ एनिमल्स के जो शेल्टर हैं जो उन्होंने बनाए हैं, वो खुद से भी अपना शेल्टर बनाते हैं और कुछ का नेचुरल भी होता है। ठीक है, वी नो सम एनिमल लिव ऑन लैंड, सम लिव ऑन ट्री, सम इन वाटर एंड सम लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं, हम तो जानते हैं ऐसे एनिमल्स कुछ होते हैं जो लैंड में रहते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो ट्री पर रहते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो वाटर में रहते हैं, और कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो वाटर और ट्री, वाटर, ट्री, लैंड सब पे रह सकते हैं। ठीक है, मोस्ट एनिमल डू नॉट बिल्ड देयर होम्स, दे चूज नेचुरल शेल्टर। कुछ ऐसे, मैंने पहले ही बताया था कि कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनके पास नेचुरल घर होता है। ठीक है, वो बनाते नहीं हैं। जैसे कि एक लायन होता है, वो कहाँ रहता है? डेन में रहता है। ठीक है, टाइगर भी डेन में रहता है, फॉक्स भी डेन में रहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये बियर जो है केव में, केव मतलब क्या होता है? गुफा होता है। तो बियर क्या रहता है? केव में रहता है, खुद से नहीं बनाता, उसे नेचुरली मिल जाता है तो वो केव ही में रहता है। ठीक है, एलिफेंट, जिराफ, डियर और जो अदर्स एनिमल है वो कहाँ रहते हैं? वो पेड़ के नीचे रहते हैं, पेड़ की छाया के नीचे ही रहते हैं हमेशा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे
ज़ेब्रा खा रहता है, तो ज़ेब्रा जो बड़े बड़े घास होते हैं उनके पीछे खुद को छुपा लेता है, वही उसका शेल्टर होता है, ठीक है। और मंकीज़ के बारे में, स्क्विरल्स के बारे में, लंगूर्स के बारे में तो सभी जानते हैं कि ये लोग पेड़ पर रहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, हमेशा देखा होगा, स्क्विरल को पेड़ पर देखा होगा, बर्ड्स को देखा होगा, आउल को देखा होगा, ठीक है। रैबिट, स्नेक, रैट एंड मंगूज लिव इन होल, तो आप ये भी जानते हैं कि जितने जो रैबिट होता है वो कहाँ रहता है, होल में रहता है। जो स्नेक होता है वो भी होल से निकलता है, और जो मंगूज होते हैं, मंगूज क्या होते हैं, जो नेवले होते हैं वो भी रहते कहाँ रहते हैं, होल में रहते हैं, ठीक है। ओके, ये रैट है, लेकिन मंगूज जो होते हैं वो उन्हें हम क्या कहते हैं, वो नेवले कहते हैं। ये रैट है जो कि होल में रहते हैं, आप देखेंगे आगे। आगे हम देखेंगे, सम बर्ड बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स एंड प्रोटेक्ट द यंग वंस, कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि घोंसले बनाते हैं उसमें अपने अंडों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अंडे देने के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेस्ट है। अब हम देखेंगे, बी मेकअप बी हाइव, तो आपने ये तो सुना होगा, आपने मधुमक्खी का छत्ता ज़रूर देखा होगा, ये कभी पेड़ पर लगते हैं, कभी कभी कभार तो ये घर के आसपास में भी लग जाते हैं, घर की छत पर। तो जो बीज होती हैं वो बी हाइव में रहती हैं, ठीक है। ये आपने ये भी कई बार देखा होगा, एंट हिल है, जो एंट्स होती है वो मड से एंट हिल बनाती हैं और वो उसी में रहती हैं, ठीक है। फिश एंड मैनी अदर सी एनिमल लिव इन सी अंडर वाटर, अब हमने देखा लैंड देख लिया, हमने ट्री देखा, अब हम देखेंगे वाटर। तो जो फिश होती हैं और उसके अलावा और भी जो सी एनिमल्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, आप पिक्चर देख सकते हैं, ये कहाँ रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं, ठीक है। सम एनिमल लिव इन बोथ इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, तो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि ज़मीन पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। तो उसमें से एक एनिमल है क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल लिव इन और नियर वाटर, क्रोकोडाइल या तो वाटर में रहता है या तो वाटर के सराउंड, वाटर के पास ही आजू बाजू में रहता है, ठीक है। अब फ्रॉग्स तो आपने देखे ही होंगे, फ्रॉग्स तो हमेशा अक्सर बारिश के दिन में दिखाई देते हैं, जो भी फील्ड एरिया होता है वहाँ पे हमेशा दिखाई देते हैं। तो क्या करते हैं, वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे ईटिंग हैबिट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स नॉट, दे ईट आइदर प्लांट्स और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, सम एनिमल्स ईट प्लांट, अदर एनिमल्स ईट द प्लांट ईटिंग एनिमल्स, सम अदर ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हेंस ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट एज फूड। कहने का ये मतलब है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना तो खुद बनाते हैं, ये बात आप लोगों को तो पता होगा कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, वो चल नहीं सकते हैं, वो कहीं जा नहीं सकते, तो अपना खाना तो खुद बनाते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद तो बना नहीं सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, या तो ये प्लांट को खाते हैं और या तो ये किसी जानवर को खाते हैं, उसके मीट को खाते हैं, उसके गोश्त को खाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं, इनके वेजिटेरियंस होते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, ठीक है। तो हमें इसे क्या पता चलता है कि जितने भी एनिमल्स हैं वो प्लांट पर डिपेंड हैं फूड के लिए, क्योंकि आपने यहाँ पढ़ा कि कुछ एनिमल्स प्लांट को खाते हैं और जो एनिमल प्लांट को खाते हैं उन्हें दूसरे एनिमल्स खा जाते हैं। तो इस तरीके से जितने भी एनिमल्स हैं सब प्लांट पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो हम देखेंगे प्लांट ईटिंग एनिमल्स, सबसे पहले हम हर्बीवोरस एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ ग्रास खाते हैं और प्लांट्स को खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं, ठीक है। एनिमल लाइक एलिफेंट, डियर, ज़ेब्रास, जिराफ एंड मंकी ईट ग्रासेस, लीव्स, ग्रीन प्लांट एंड फ्रूट्स, दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स, ओके। इन्हें हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। अब हम देखेंगे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, यानी कि जो गोश्त खाते हैं, गोश्त को, मीट को भी हम गोश्त कहते हैं, मांस को हम गोश्त कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कर्नीवोरस एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। एनिमल लाइक लायन, टाइगर, वोल्फ, चीता, लियोपॉड, पैंथर, स्नेक एंड क्रोकोडाइल हंट एंड ईट द फ्लैश ऑफ द
other animals. They are called carnivorous animals. जो animals होते हैं जैसे lion, tiger, wolves, cheetah, leopard, panther, snakes, crocodile, ये क्या करते हैं? शिकार करते हैं. hunt का मतलब क्या होता है? शिकार करना. ये शिकार करते हैं और उसके बाद उसके flesh को खा जाते हैं. ठीक है? और ये ऐसे ही अपना food collect करते हैं, अपने food को लेते हैं. अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो प्लांट और फ्लैश दोनों ही खाते हैं. जैसे मैं आपको बताने जा रही हूँ एनिमल लाइक बियर, डॉग, क्रो, मंकी ईटीसी ईट बोथ प्लांट एज वेल एज फ्लैश ऑफ एनिमल्स सच एज एनिमल सच एनिमल आर कॉल्ड ओमनिवोरस एनिमल्स. तो जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फ्लैश और प्लांट दोनों को खाते हैं उन्हें हम ओमनिवोरस कहते हैं. इनमें कौन आते हैं? बियर आता है, डॉग आता है, क्रो आता है, मंकी आता है. ठीक है? सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. तो कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो डेड एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, यानी मरे हुए जानवरों के फ्लैश को खाते हैं. ठीक है? तो अब हम देखेंगे एनिमल लाइक वल्चर, जैकल, वाइल्ड डॉग, फॉक्सेस एंड हियान ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. सच एनिमल्स हेल्प टू कीप द जंगल क्लीन. दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. जो ये देखिए वल्चर, आप देख सकते हैं यहाँ पे वल्चर है, यहाँ पे हियान है, यहाँ पे जैकल है. तो ये सब क्या करते हैं? जो जानवर मरे हुए होते हैं, जो अपने आप मर जाते हैं या उन्हें किसी कारण से मर जाते हैं, तो वो उनके मीट को खा लेते हैं, वो उनके मांस को, फ्लैश को खा जाते हैं. इससे क्या होता है कि हमारा जो जंगल है वो बिल्कुल ही क्लीन रहता है, कोई भी वहाँ पे गंदगी नहीं फैलती है. ठीक है? अब हम देखेंगे प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल्स. तो आपने ये सब तो पढ़ा, आप सोचते होंगे कि वाइल्ड एनिमल्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. मैनी एनिमल्स बिकम होमलेस व्हेन वी कट डाउन ट्री टू क्लीन द जंगल फॉर मेकिंग होम्स, फैक्ट्रीज एंड रोड. नंबर ऑफ सच एनिमल्स इज बिकमिंग स्मॉल. मैनी एनिमल्स हैव बिकम सो लेस इन नंबर दैट दे मे सून डिसअपियर, सो वी शुड प्रोटेक्ट एनिमल्स. तो जो एनिमल्स होते हैं वो उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. हमें उन्हें क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए? क्योंकि वो भी लिविंग बींग है, उनका भी अर्थ पे जो साइकिल चलता है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो जब हम पेड़ों को काट देते हैं, वहाँ पे जंगल को क्लीन कर देते हैं ताकि हम वहाँ पे घर बना सकें, फैक्ट्री बना सकें, रोड बना सकें, तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वो बेघर हो जाते हैं, वो होमलेस हो जाते हैं. उसके बाद क्या होता है कि उनका नंबर्स जो इंक्रीजिंग नंबर है वो कम होने लगता है और धीरे धीरे वो लुप्त होते चले जाते हैं. आपने सुना होगा, कई बार टीवी पर भी न्यूज़ देखा होगा कि ये जानवर लुप्त हो रहा है, वो जानवर लुप्त हो रहा है, या बहुत साल बाद किसी लुप्त जानवर को देखा गया. अभी हाल ही में टाइगर भी कहा जा रहा था कि लुप्त हो जाएगा इंडिया से. तो हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए वाइल्ड एनिमल्स को ताकि उनका जो स्पीशीज़ है, उनकी जो प्रजाति है, वो बनी रहे. ठीक है? अब हम कुछ सुपर फैक्ट्स को देखेंगे. ठीक है? चलिए तो हम शुरू करते हैं अपने कुछ फैक्ट्स को. तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पे जो सुपर फैक्ट्स हैं तो इन सबको हम देखेंगे. व्हेन यू थिंक अबाउट वाइल्ड एनिमल यू प्रोबेबली हैव विजन ऑफ लायन, टाइगर एंड बियर. तो आप जब भी आप लोग सोचिएगा, जब भी आप लोग वाइल्ड एनिमल्स के बारे में सोचते हैं तो आप लोग के दिमाग में अचानक से बात आता है किसका? लायन, टाइगर और बियर का. लेकिन और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वाइल्ड एनिमल्स में, तो और भी सारे एनिमल्स आते हैं. नो अदर क्रिएचर लुक एज ग्लोरियस एज द रॉयल बंगाल टाइगर. कोई भी ऐसा क्रिएचर नहीं है, कोई भी ऐसा जानवर नहीं है, क्रिएचर नहीं है जो कि बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर की तरह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा दिखे. ठीक है? वी शुड नॉट गो नियर टू वाइल्ड एनिमल, दे मे अटैक अस इन फियर. हमें कभी भी वाइल्ड एनिमल्स के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो हम पे अटैक करते हैं. वो हम पे इसलिए अटैक नहीं करते कि वो हमें खाना चाहते हैं, हमें हार्म करना चाहते हैं, बट उन्हें ये लगता है कि हम उन पे अटैक करने वाले हैं, तो वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पे अटैक करते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कभी भी वाइल्ड एनिमल्स के पास नहीं जाना चाहिए. ठीक है? अब हम देखेंगे सम फैक्ट्स अबाउट वाइल्ड एनिमल्स. ओके? तो जो फर्स्ट फैक्ट इज टाइगर इज द लार्जेस्ट वाइल्ड कैट्स इन द वर्ल्ड.
टाइगर जो होता है वो किसके स्पीशीज का होता है? वो कैट के स्पीशीज का होता है। आप लोग कहते हो बिल्ली मौसी कहते हो ना, तो कैट के स्पीशीज का ही होता है और वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैट के स्पीशीज का एनिमल है। नो टू टाइगर्स हैव द सेम पैटर्न ऑफ स्ट्रिप्स। जो दो टाइगर होते हैं उनके जो ये स्ट्रिप्स होते हैं, आप ये देखो स्ट्रिप्स हैं ना, ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, जो स्ट्रिप्स होते हैं ना वो कभी भी सेम नहीं होते हैं दो टाइगर्स के, हमेशा अलग अलग ही होते हैं, ठीक है। लायन यूजली लिव इन ग्रुप ऑफ 10 और 15 एनिमल कॉल्ड प्राइड्स। जो लायंस होते हैं वो बहुत बड़े झुंड में नहीं होते हैं, ठीक है, वो 10 और 15 ग्रुप्स में ही होते हैं। फॉक्स आर मेंबर ऑफ डॉग फैमिली। अ फीमेल फॉक्स इज कॉल्ड विक्सन, अ मेल फॉक्स इज कॉल्ड डॉग फॉक्स। जो फॉक्स होते हैं ना वो किसके फैमिली मेंबर होते हैं, किस स्पीशीज के होते हैं, तो डॉग के स्पीशीज के होते हैं, ठीक है, डॉग के फैमिली मेंबर्स होते हैं, ठीक है। जो फीमेल फॉक्स होता है उसे हम विक्सन कहते हैं और जो मेल फॉक्स होता है उसे हम डॉग फॉक्स कहते हैं। एलिफेंट ईट अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट मटीरियल्स इंक्लूडिंग ग्रासेस, लीव्स, श्रब्स, फ्लावर, फ्रूट्स, बैम्बू इट इज। तो आपने कई बार देखा होगा, जब भी आपने हाथी को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो बहुत जो वाइड रेंज का वेराइटी वाला प्लांट्स होते हैं, प्लांट मटीरियल्स, उन्हें वो खाते हैं। जैसे वो ग्रास को भी खाते हैं, लीव्स को खाते हैं, उन्हें पीपल का लीव सबसे ज़्यादा पसंद होता है तो वो लीव्स को खाते हैं, वो फ्रूट्स को भी खाते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि वो केले को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके अलावा फ्लावर्स को खाते हैं, वो बैम्बू को भी खाते हैं, श्रब्स को भी खाते हैं, और इस तरीके से लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स को वो खाते हैं, ठीक है, बहुत सारे इस तरीके के प्लांट्स को खाते हैं। अ ज़ेब्रा स्ट्रिप एक्ट लाइक एन यूनिक फिंगर प्रिंट, ईच इंडिविजुअल पैटर्न इज यूनिक। जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि जो टाइगर के पैटर्न होते हैं टाइगर्स के बॉडी पर वो अलग अलग होते हैं उनके पैटर्न, उसी तरीके से जो ज़ेब्रा होता है उसका जो स्ट्रिप्स होता है ना वो भी अलग अलग होता है, यूनिक होता है, कभी भी सेम नहीं होता, ठीक है। एप्स आर नॉट मंकी। तो आपने एप्स को देखा होगा तो आपको क्या लगता होगा कि हाँ वो भी मंकीज ही हैं, बट वो मंकीज नहीं होते हैं, वो एक मंकीज के ही स्पीशीज के दूसरे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो कभी भी आप ये मत सोचना कि वो मंकी होते हैं। स्नेक स्मेल विद देयर टंग। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि स्नेक कभी भी किसी चीज़ के पास जाता है तो वो अपनी टंग को बाहर निकालता है, तो स्नेक क्या करता है उससे, वो टंग से स्मेल लेता है, ठीक है ना। तो जो ये आप देख सकते फिगर में भी है, तो जब भी उसको स्मेल लेना होता है तो अपनी टंग को बाहर करता है, ठीक है, इसको आप याद रखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बाल्ड ईगल बिल्ड द लार्जेस्ट नेस्ट। जो ईगल्स होते हैं वो सबसे लार्जेस्ट नेस्ट बनाते हैं, यानी कि जो उनका घोंसला होता है वो सबसे बड़ा होता है सारे बर्ड्स में, ओके, क्योंकि वो काफ़ी खुद भी बड़े होते हैं तो काफ़ी बड़ा वो अपना घोंसला बनाते हैं। अ नेस्ट इज़ नॉट अ होम, इट्स यूज्ड मेरली टू होल्ड द एग्स एंड प्रोटेक्ट द यंग्स। जो नेस्ट होता है ना वो इनका जो होम नहीं होता है, ठीक है, ये हमेशा उस नेस्ट में नहीं रहते हैं, ये नेस्ट तभी बनाते हैं जब इन्हें अपने जो एग्स हैं उनको वहाँ रखना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है, या उनके जो बच्चे होते हैं उस एग्स में से उन्हें कुछ सिखाना होता है, तभी ये अपने नेस्ट में अपना नेस्ट बनाते हैं और वहाँ पे अपने एग्स को रखते हैं और अपने यंग्स वन को प्रोटेक्ट करते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो पक्षी भी और वो जो बच्चे हैं उसके वो भी उड़ जाते हैं, ठीक है, तो वो एक ही जगह नेस्ट बना के हमेशा होम की तरह नहीं रखते हैं, ठीक है। अ बी हैज कैन कंटेन 10,000 to 60,000 हनी बीज। तो आपने देखा होगा बी हाइव, तो सबने देखा होगा, सभी ने देखा ही होगा, तो वो जो बी हाइव होता है उसमें 10,000 से लेकर 60,000 तक हनी बीज रह सकती हैं, ठीक है, वो बी हाइव उतने हनी बीज को रख सकता है। अब बी कीपर कीप्स बी इन ऑर्डर टू कलेक्ट देयर हनी एंड अदर प्रोडक्ट। आपने बी कीपिंग के बारे में तो सुना ही होगा, आपने डिस्कवरी चैनल पे देखा भी होगा, कई बच्चों ने देखा होगा, तो वो बी कीपिंग क्यों की जाती है, तो जो बी कीपर्स हैं वो बी कीपिंग इसलिए करते हैं ताकि वो हनी कलेक्ट कर सकें और उसे एज अ प्रोडक्ट बेच सके, ठीक है। जैसे कि हनी से क्या निकलता है, रॉयल जेली निकलता है जिसे हम हनी कहते हैं, मतलब बी हाइव से, और उसे हम काफ़ी वो एक मेडिसिन भी होता है,
और काफ़ी लोग उसे ऐसे भी खाना पसंद करते हैं। बी वैक्स मिलता है इससे, जो देखिए बी वैक्स क्या होता है, जो हनी निकालने के बाद जो उसका छाता यानी कि बी हाइव बच जाता है उसे, उसी से बी वैक्स बनता है, ठीक है। इसे भी कई तरीके से यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे, देयर आर मोर देन 12,000 वराइटीज ऑफ एंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपने दो तरीके के एंट्स को तो देखा ही होगा, एक ब्लैक और एक रेड। तो जो आप तो सोचते होंगे कि सिर्फ दो ही एंट्स होते हैं, एक ब्लैक होते हैं एक रेड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 12,000 से भी ज़्यादा स्पीसीज होती हैं, ठीक है। स्पीसीज यानी कि उनकी प्रजाति होती है, वो बहुत सारे तरीके के एंट्स होते हैं। सम फिशेज आर नॉट फिश, एग्जाम्पल स्टार फिश एंड जेली फिश। तो आपको लगता होगा कि स्टार फिश के पीछे फिश लगा है तो वो फिश होगा, या जेली फिश के पीछे फिश लगा है तो वो फिश होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो जेली फिश और स्टार फिश होते हैं वो फिश नहीं होते हैं, ठीक है, वो जस्ट एक वाटर एनिमल होते हैं, ठीक है, सी एनिमल्स होते हैं। सी हॉर्स इज़ अ फिश नॉट अ हॉर्स। तो आपने कभी सुना होगा सी हॉर्स, तो आप उसे दरियाई घोड़ा बोलते होंगे। तो जो ये वो घोड़ा नहीं होता है, वो एक फिश होती है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिए, वो एक फिश होता है, भले हम उसे सी हॉर्स या दरियाई घोड़ा बोलते हैं, बट वो जो होता है वो हॉर्स नहीं होता, वो एक फिश होता है, ठीक है। एन एलिगेटर डिफर्स फ्रॉम क्रोकोडाइल बाई इट्स यू शेप माउथ। तो कभी कभी आप सुनते होंगे डिस्कवरी चैनल पे, या कभी भी आपने वो वीडियो देखा होगा, या कभी भी आपने बुक्स भी पढ़े होंगे, तो आप कभी एलिगेटर पढ़ते होंगे, कभी क्रोकोडाइल पढ़ते होंगे, तो आप सोचते होंगे कि आप दोनों एक जैसे दिखते हैं तो इनके नाम क्यों अलग हैं। एक्चुअली बात यह है कि नाम ये दोनों एक ही नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंस होता है, ये एक स्पीशीज इनका कुछ अलग होता है, ठीक है। एनिमल तो ये एक ही हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन कुछ इनमें डिफरेंस होते हैं। इसका जो यू शेप स्नाउट होता है ना, उसके वजह से ये पता चल जाता है कि एलिगेटर, और जिनका यू शेप स्नाउट होता है वो एलिगेटर होते हैं और क्रोकोडाइल नहीं होते, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, डाइट ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स। तो हम ये देखेंगे कि वाइल्ड एनिमल्स आखिर उनका डाइट क्या होता है, ठीक है। अब पांडा डेली डाइट कंसिस्ट ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ द लीव्स स्टीम्स एंड शूट्स ऑफ बैम्बू प्लांट्स। जो पांडा होता है वो तो वेजिटेरियन होता है, मतलब कि ये हर्बीवोरस होता है। तो इसका जो डेली का डाइट है उसमें क्या कंसिस्ट होता है, उसमें क्या क्या आता है, तो ये पूरे दिन में बहुत सारा लीव्स स्टीम और बैम्बू को ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, उनके स्नाउट्स को ज़्यादा, सूट्स को ज़्यादा खाते हैं, ठीक है ना। अब हम गोरिल्ला का देखेंगे, गोरिल्ला स्टिक टू अ मेनली वेजिटेरियन डाइट फीडिंग ऑन स्टीम बैम्बू शूट्स एंड फ्रूट। जो गोरिल्ला होता है ना, ये भी पूरी तरीके से वेजिटेरियन डाइट ही रहता है, ठीक है। ये क्या खाते हैं, ये भी वही खाते हैं जो पांडा, लेकिन पांडा मैक्सिमम बैम्बू खाते हैं, बट ये अदर प्लांट्स के भी जो स्टीम्स हैं, शूट्स हैं या फ्रूट हैं उसको भी खा लेते हैं, ठीक है। चिंपैंजी मेनली ईट फ्रूट, दे कैन ऑल्सो ईट लीव एंड लीव बार्स, सीड स्टीम बार्क ईटीसी। जो चिंपैंजी होते हैं वो मेनली तो फ्रूट ही खाते हैं, लेकिन वो लीव्स, लीव बर्ड्स और जो सीड्स होते हैं, स्टीम्स होते हैं और जो छाल होती है, बार्क होती है, वो उसे भी खा लेते हैं, ठीक है, लेकिन मेनली ये फ्रूट ही खाते हैं। द रेनडियर ईट ग्रासेस एंड श्रब्स दैट ग्रो इन द टुंड्रा रीजन। जो रेनडियर होता है ना, जिसे हम बारहसिंगा बोलते हैं, तो वो क्या करता है, वो ग्रासेस एंड श्रब्स को ही खाता है जो कि टुंड्रा रीजन में ग्रो होते हैं, ठीक है। तो वो क्या खाता है, ग्रासेस और श्रब्स को खाता है। मैंने श्रब्स आपको बताया था कि श्रब्स क्या होते हैं, वो एक छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ फैक्ट देखेंगे, द हिप्पोपोटामस यूजुअली ईट ग्रासेस वेजिटेशन एंड फ्रूट्स, ऑन रेयर ओकेजन इट मे ईट मीट और इंसेक्ट्स। जो हिप्पोपोटामस होता है, जिसे हम गेंडा बोलते हैं, आपने जू में से देखा होगा, ये बहुत शांत, बहुत ही ज़्यादा शांत एनिमल होता है। तो ये क्या खाता है, ये ग्रास खाता है और वेजिटेरियन फूड ही ये खाता है, फ्रूट्स भी खाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा ओकेजन पे ऐसा देखा गया है कि ये इंसेक्ट और मीट भी खा लेते हैं, ठीक है। अब हम एंटोलोप के बारे में पढ़ेंगे, एंटोलोप फीड्स ऑन बुशेज एंड स्मॉलर ट्रीज और ग्रेज ऑन ग्रासेस।
तो जो एंटीलोप होते हैं ना वो ग्रासेस को खाते हैं और बुशेस को खाते हैं, जो झाड़ी जैसे बुशेस होते हैं तो वो उन्हें खा लेते हैं, ठीक है, स्मॉलर जो हो वो उन्हें खाते हैं। सम एनिमल इन इंडिया दैट यू शुड सी बिफोर दे वैनिश, कुछ ऐसे इंडिया में ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए इसके पहले कि वो वैनिश हो जाए। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जितने ये सारे ओके तो जो भी एनिमल्स हैं जो मैं आपको भी बताने जा रही हूँ, तो इन सभी एनिमल्स को आप फ़ोन में सर्च ज़रूर करना, ठीक है, आपको इन्हें देखना चाहिए इसके पहले कि ये विलुप्त हो जाएं। इसमें क्या आता है, एशियाटिक लायन, बंगाल टाइगर्स, स्नो लियोपॉड, ब्लैक बक, रेड पांडा, वर्न हॉर्न डाइनोसॉरस, द नीलगिरीज थार, ताहर, कश्मीरी स्टैग, लायन, टेल्ड मंकी एंड इंडियन बिसॉन, ये सब आपको देखना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे, तो वर्ड्स मीनिंग में हम देखेंगे जू क्या होता है, तो अ कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स टिपिकली इन अ पार्क और गार्डन फॉर डिस्प्ले टू द पब्लिक। जो जू किसे हम कहते हैं, तो वो एक वाइल्ड एनिमल का कलेक्शन होता है जिसे हम पार्क या गार्डन में रखते हैं पब्लिक यानी लोगों को दिखाने के लिए। स्ट्रिप क्या होते हैं, अ लॉन्ग नैरो बैंड और स्ट्रिप डिफरेंट इन कलर और टेक्सचर। जो स्ट्रिप्स होते हैं वो लंबे पतले बैंड होते हैं, जो स्ट्राइप जो होते हैं जो डिफरेंट कलर टेक्सचर में होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताया था लायन और ज़ेब्रा पे अलग अलग स्ट्रिप्स होते हैं, सॉरी लायन नहीं, टाइगर और ज़ेब्रा पे अलग अलग स्ट्रिप्स होते हैं, ठीक है। बी हाइव, अ स्ट्रक्चर मेड बाई बी इन विच दे लिव एंड मेक हनी। मैंने बी हाइव भी बताया था, बी हाइव क्या होता है, वो एक स्ट्रक्चर होता है, एक संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है जिसमें बी रहते हैं और हनी बनाते हैं, ठीक है। एंट हिल, अ नेस्ट इन द फॉर्म ऑफ माउंटेड बिल्ट बाई एंट। ये क्या होता है, ये एक नेस्ट होता है जो एंट के लिए, एंट अपने लिए बनाते हैं और उसमें वो रहते हैं, ठीक है। तो हम ये समरी देख लेते हैं, A wild animal is an animal that is not domesticated or tamed. जो वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स जिन्हें हम कभी भी घरेलू या पालतू नहीं बनाते हैं उन्हें हम वाइल्ड एनिमल कहते हैं। सम एनिमल लिव ऑन लैंड, सम लिव ऑन ट्री, सम लिव ऑन वाटर एंड सम लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लैंड में रहते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ट्रीज में रहते हैं, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो वाटर और लैंड वाटर में रहते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वाटर लैंड दोनों पे रहते हैं, ठीक है। मोस्ट एनिमल डू नॉट बिल्ड देयर होम्स, दे चूज नेचुरल शेल्टर। कुछ बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो खुद का घर नहीं बनाते हैं, वो नेचुरली ही चुन लेते हैं। सम एनिमल लिव इन डेन एंड केव्स, कुछ एनिमल्स होते हैं जो डेन और केव्स में रहते हैं। डेन में कौन रहता है, लायन, केव्स में कौन रहते हैं, बियर, मैंने आपको पढ़ाया था। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो डेन और केव्स में रहते हैं। सम एनिमल लिव ऑन और अंडर ट्री, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो या तो ट्री पर या ट्री के नीचे रहते हैं। तो ट्री के ऊपर रहने वाले कौन से एनिमल्स हैं, जैसे मंकी, स्क्विरल, ये सारे क्या होते हैं, ये ट्री के ऊपर रहते हैं बर्ड्स। और ट्री के नीचे कौन रहता है, डियर, एलिफेंट्स, ये सारे क्या रहते हैं, ट्री के नीचे रहते हैं। सम एनिमल लिव इन होल इन द ग्राउंड, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो होल यानी कि बिल में रहते हैं ग्राउंड के। इसमें कौन से एनिमल आते हैं, इसमें आता है स्नेक, रैट, मॉन्गूज, ओके। सम एनिमल ईट प्लांट, सम ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स एंड सम ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, इसमें कौन आते हैं, एलिफेंट आते हैं, डियर आते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं, पांडा। और सम ईट फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, लियोपॉड, ये क्या करते हैं, ये दूसरे ही जानवर के मांस को खाते हैं। सम ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी और फ्लैश को भी। इसमें कौन आता है, इसमें भी आते हैं कई जानवर, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन आंसर को भी देख ही लेते हैं, तो पहले इसमें राइट आंसर को टिक करना है। Which of the following animal wander in the jungle and move in group? ऐसा कौन सा एनिमल है जो जंगल में ग्रुप में घूमता है, ठीक है।
Which of these eat remain of dead animals? इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो डेड एनिमल्स को खाता है? ठीक है. Which of the following animal does not eat the remains of dead animals? ऐसा कौन सा एनिमल है जो नहीं खाता है, ठीक है, जो डेड एनिमल्स को नहीं खाता है. जैसे पहले ऐसे काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं जो मरे हुए एनिमल्स को नहीं खाते हैं. Which of the following does not eat other animals? इसमें से ऐसा कौन सा एनिमल है जो दूसरे एनिमल्स को नहीं खाता, ठीक है. आप लोग ये फिल करना अपने बुक में. अ लायन लिव इन अ, यहाँ क्या आंसर होगा, केव. अ मंकी लिव्स इन अ ट्री. अ लायन लिव ऑन इन अ, क्या होगा, डेन होगा. क्या होगा, डेन. अ मंकी लिव्स इन अ ट्री. अ बियर लिव इन अ केव. अ स्नेक लिव्स इन अ होल. अ बर्ड बिल्ड इट्स नेस्ट. ओके, अब आपको उसमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, कि आपको यहाँ पे जो ये वाइल्ड एनिमल है तो उसके तीन यहाँ पर एग्जांपल्स को दे देना है. और एक एनिमल दैट लिव इन डेंस, तो जो एनिमल डेंस में रहते हैं उनका यहाँ पे नेम लिख देना है, ठीक है. एनिमल दैट लिव ऑन ट्री, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ट्री पे रहते हैं, तो आप तीन एनिमल्स के यहाँ पे नाम लिख देना. एनिमल दैट ईट प्लांट, एनिमल जो है वो प्लांट जो खाते हैं उनका नाम आप यहाँ पे तीन एनिमल्स का लिख देना. फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, तो जो एनिमल्स हैं जो मांस को खाते हैं उनका तीन एनिमल्स का नाम यहाँ लिख देना. अभी इसको इस जो जो क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस, तो इसमें आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है. तो हम पहला देखेंगे, एलिफेंट एंड डियर ईट, तो क्या खाते हैं, प्लांट्स, तो यहाँ पर प्लांट्स लिख देना. लायन एंड टाइगर ईट, तो लायन और टाइगर क्या खाते हैं, फ्लैश, तो यहाँ पर आप फ्लैश लिख देना. वल्चर एंड जैकल ईट, तो यहाँ पर लिखना डेड एनिमल्स, यानी जो वल्चर और जैकल्स होते हैं वो तो मरे हुए जानवर खाते हैं, तो आप यहाँ डेड एनिमल लिख के सेंटेंस को पूरा करना. बर्ड बिल्ड नेस्ट टू, अच्छा बर्ड्स क्यों अपना नेस्ट बनाते हैं वो चीज़ हमें यहाँ लिखनी है. तो बर्ड बिल्ड नेस्ट टू प्रोटेक्ट देयर एग्स और यंग वंस. अभी ट्रू फॉल्स है, आप यहाँ अगर ये बात सही है जो यहाँ लिखी है तो आप यहाँ ट्रू लिखोगे, और अगर ये गलत है तो आप यहाँ फॉल्स लिखेंगे. टाइगर्स एंड लायंस आर हर्बीवोरस, तो क्या टाइगर और लायंस हर्बीवोरस है, तो नहीं. जो टाइगर और लायन है ये क्या होता है, कार्निवोरस होता है. हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है, वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, तो यहाँ क्या होगा, फॉल्स होगा. ऑल वाइल्ड एनिमल्स आर कार्निवोरस, क्या सारे वाइल्ड एनिमल कार्निवोरस हैं, तो नहीं. एलिफेंट भी तो वाइल्ड एनिमल्स एनिमल है लेकिन वो तो हर्बीवोरस होता है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे. ऑल पांडा ईट ओनली बैम्बू प्लांट, के सारे पांडे बैम्बू प्लांट्स को ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते, तो यहाँ ट्रू होगा. द बियर इज एन ओमनीवोरस, क्या बियर ओमनीवोरस है, ओमनीवोरस क्या क्या होता है, जो मीट और जो मीट खाते हैं प्लांट खाते हैं दोनों चीज़ों को खाते हैं उन्हें ओमनीवोरस कहते हैं, तो यहाँ क्या होगा, ट्रू. और ये एक्टिविटी है, तो आपको ये एक्टिविटी में क्या करना है, अपने फ्रेंड्स या अपने एल्डर्स के मदद से ऐसे मास्क को आप घर पर बनाइए, और इन सभी को आप अलग अलग करके रखिए कि इसमें से कौन से एनिमल्स वाइल्ड हैं और कौन से एनिमल्स पेट हैं या डोमेस्टिक. ओके, तो ये आपका चैप्टर था वाइल्ड एनिमल, तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और उम्मीद है कि आप इसके क्वेश्चन आंसर को भी अच्छे से राइट कर लेंगे. थैंक यू. अब हम देखेंगे, मिल्क इज़ यूज एज अ पार्ट ऑफ डेली डाइट, तो आप सभी जानते हैं कि मिल्क जो होता है वो हमारे डेली डाइट, मतलब डाइट के रूप में हम इसे बहुत यूज़ करते हैं. मिल्क के बिना तो हमारा काम होगा नहीं, ये सभी आप जानते होंगे. तो हम किस किस चीज़ों में यूज़ करते हैं, टू मेक टी, कॉफ़ी, आइसक्रीम, चॉकलेट, स्वीट्स एंड अदर प्रोडक्ट लाइक बेबी फूड एंड कंडेंस मिल्क. तो जो मिल्क होता है ना उसका हम अपने डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, पहले तो आप जब भी आप अगर देखें तो आपको मिल्क पीना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप लोग मिल्क पीते हो, मिल्क को तो सबसे पहले हम ऐसे ही पी जाते हैं. सेकेंडली हम इसका टी बनाने में यूज़ करते हैं या कॉफ़ी बनाने में यूज़ करते हैं, उसके बाद आपकी फेवरेट चीज़ यानी कि आइसक्रीम बनाने में यूज़ करते हैं,
फिर आपकी दूसरी फेवरेट चीज़ यानी कि चॉकलेट्स बनाने में यूज़ करते हैं। ऐसा तो दुनिया में कोई बच्चा होगा नहीं जिसे आइसक्रीम या चॉकलेट्स नहीं पसंद होंगे। तो आप लोगों की ये दोनों फेवरेट चीज़ें बनाने में ही मिल्क का यूज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा जो स्वीट्स होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, उनमें मिल्क का काफ़ी यूज़ होता है। उसके अलावा बेबी फूड, आपके घर में अगर छोटे भाई बहन होंगे तो उनके लिए सेरोलैक नाम का एक बेबी फूड आता होगा, तो वो बनाने के लिए, या लैक्टोजिन नाम का एक मिल्क आता होगा, मिल्क पाउडर आता होगा, तो वो बनाने के लिए भी मिल्क का ही यूज़ किया जाता है। और कंडेंस मिल्क बनाने के लिए भी मिल्क का यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे वेजिटेरियन हु ईट एग्स एंड एग प्रोडक्ट बट नॉट मीट आर कॉल्ड एगिटेरियंस। तो ऐसे आप लोग में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मीट तो नहीं खाते होंगे, फिश तो नहीं खाते होंगे, लेकिन सिर्फ एग्स खाते होंगे, नॉनवेज में सिर्फ आप एग्स खाते होंगे, तो ऐसे लोगों को ना हम वेजिटेरियन कहेंगे और ना ही नॉन वेजिटेरियन, उन्हें हम एगिटेरियंस कहेंगे, ठीक है। एग्स कंटेन द हाइस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। मैंने जब आपको ये पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया भी था कि जो एग्स होते हैं उनमें हाइस्ट क्वालिटी के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो एग्स में तो हाइस्ट क्वालिटी के प्रोटीन होते हैं, इसलिए हमें इसे अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। एग योक्स आर वन ऑफ द फ्यू फूड दैट आर नेचुरली गुड सोर्स ऑफ विटामिन डीज। एग योक कौन सा होता है, ये एग वाइट होता है और ये एग योल्क होता है, ठीक है, योक होता है। तो जो एग योक होता है ना, इसमें नेचुरली विटामिन डी का काफ़ी सारा सोर्सेज होता है, ठीक है ना, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे बोन्स के लिए। अ पर्सन हु ईट मीट फ्लैश और अदर प्लांट ऑफ एनिमल इज कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि वैसे इंसान, वैसे पर्सन, वैसे पीपल्स जो मीट फ्लैश और एनिमल्स के अदर पार्ट को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ मीट सच एज पोल्ट्री, रेड मीट, फिश, इट इज प्रोवाइड द बॉडी विथ एसेंशियल मिनरल्स एंड विटामिन। तो मीट तो कई तरीके के होते हैं ना, जैसे पोल्ट्री मीट होता है जिसे हम चिकन कहते हैं, रेड मीट होता है जो गोट से मिलता है, इसके अलावा और भी तरीके के जो फिशेज होते हैं, और भी जो मीट्स होते हैं, तो उन सब का यूज़ हम करते हैं अपने बॉडी में, अपने खाने में जब यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे विटामिन प्रोवाइड कराते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए काफ़ी एसेंशियल है, ठीक है। हनी इज़ द ओनली फूड विच इज़ मेड बाई इंसेक्ट बट ईटन बाई बोथ इंसेक्ट एंड ह्यूमन। हनी जो होता है वो एक ऐसा, एक ओनली फूड होता है, एक ही फूड ऐसा होता है जो कि इंसेक्ट से बना होता है, इंसेक्ट के द्वारा बनाया जाता है, और उसे इंसान भी खाते हैं और इंसेक्ट भी खाते हैं, ठीक है। तो ये ओनली फूड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे फैक्ट्स आपको हमेशा याद रखने चाहिए, ठीक है। नेचुरल हनी ऑल्सो कंटेंस फ्लावर पॉलन ग्रेन्स। जो नेचुरल हनी होती है ना वो फ्लावर पॉलन ग्रेन्स कंटेन करती है। नेचुरल हनी का जो बी हाइव यानी बी कीपर फार्म में उसे कीप नहीं करते हैं, वो नेचुरली कहीं से उन्हें मिल जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें पॉलन जो फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना वो उसमें होते हैं। अब ये तो आप सभी ने देखा ही होगा, ये एक मेकअप ब्रश है और ये एक पेंट ब्रश है। तो आप सोचते होंगे कि आखिर ये किस चीज़ से बनता होगा, आपने कभी ध्यान नहीं दिया, इसीलिए तो मैंने कहा कि आप ध्यान दिया करो कि सारी चीज़ें किस चीज़ से बनती है और सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो जो ये पेंट ब्रश है ना, ये हॉर्स के हेयर से बनता है, ठीक है। उसका छोटे छोटे हेयर्स को वो काटते हैं और ब्रशेस के रूप में उसे बदल देते हैं, ठीक है ना। अब हम अगला फैक्ट देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस द मोस्ट वूल इन द वर्ल्ड। जो ऑस्ट्रेलिया है वो वूल सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो आप लोग को तो पता ही होगा कि वूल किस चीज़ में यूज़ होता है, ये हमें विंटर सीजन में यूज़ करना चाहिए, ठीक है। द फाइनेस्ट क्वालिटी वूल मेरियानो वूल कम फ्रॉम द बेस्ट मेरियानो शीप। जो सबसे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्वालिटी का वूल होता है वो मेरियानो वूल होता है, जो कि मेरियानो शीप से आता है, ठीक है। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहला सिल्क प्रोडक्शन में सबसे पहला देश कौन सा है जो सबसे आगे है सिल्क प्रोडक्शन में, तो आप लोग क्या कहेंगे, चाइना। चाइना वर्ल्ड का एक ऐसा देश है जो सिल्क प्रोडक्शन में सबसे आगे है। मलबेरी सिल्क इज़ द हाइएस्ट क्वालिटी सिल्क अवेलेबल। जो ये मलबेरी सिल्क होता है वो पूरे वर्ल्ड में
हाईएस्ट जो क्वालिटी का सिल्क होता है ना वो होता है, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग सिल्क वर्म फ्रॉम सिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड सेरिकल्चर। जो सिल्क वर्म, देखिए सिल्क वर्म खुद से भी प्रोडक्ट होता है, प्रोड्यूस होता है और इसका प्रोडक्शन भी किया जाता है। तो जो इसका प्रोडक्शन करते हैं और इसके प्रोडक्शन की जो प्रैक्टिस होती है, जो प्रोडक्शन करते हैं, वो सेरिकल्चर कहलाता है, ठीक है। द लेदर इज यूज फॉर मेकिंग, जो लेदर होता है वो किस चीज़ के लिए यूज होता है, फॉर मेकिंग फुटवियर, बेल्ट, वॉलेट, बैग, पर्स, हमने देखा यहाँ पे, ठीक है ना। आर्टिकल मेड ऑफ लेदर आर स्टाइलिश, अट्रैक्टिव एंड ऑल्सो ड्यूरेबल। जो आर्टिकल्स होते हैं ना जो लेदर के बने हुए, तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, स्टाइलिश लगते हैं, ठीक है। वॉशरमैन यूज द डंकी टू कैरी क्लोथ थ्रू द प्लेस ऑफ वाटर फॉर वॉशिंग। तो जो डंकीज होता है ना, जो धोबी होते हैं, जो कपड़े धोते हैं, वो डंकीज पर ही अपने सारे कपड़ों को ले जाकर और धोते हैं। जिस भी प्लेस पर वो धोते हैं वहाँ डंकी सही अपने कपड़ों को ले जाते हैं। एलिफेंट आर यूज टू शिफ्ट ट्री ट्रंक एंड ब्रांचेज इन द फॉरेस्ट। जो एलिफेंट्स होते हैं ना, इन्हें किस लिए यूज़ किया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रस्सी लगी हुई है और ये ट्री के ट्रंक को खींच रहा है। तो आप समझिए कि जो ये एलिफेंट है ना, अगर जंगल में, फॉरेस्ट में कहीं कोई पेड़ गिर जाता है या ब्रांचेस गिर जाती हैं, तो एलिफेंट का यूज़ किया जाता है उसे हटाने के लिए। कभी कभी सड़क पर भी गिर जाता है तो एलिफेंट का यूज़ किया जाता है उसे हटाने के लिए। अब मैंने आपको बताया था वर्किंग डॉग, उसमें सबसे पहले था पुलिस डॉग, फिर था डिटेक्टिंग डॉग, उसके बाद था मिलिट्री वर्किंग डॉग, फिर था थेरेपी डॉग और फिर था सर्विस डॉग, ठीक है। अब हम अनदर फैक्ट को देखेंगे, सम अदर यूजेस ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स के कुछ और यूजेस क्या होते हैं। फेदर्स कम फ्रॉम बर्ड, दे आर यूज इन पिलो, समटाइम हैट्स एंड अदर डेकोरेशंस। तो जो फेदर होता है, फेदर मतलब क्या, आप देखिए इसे ध्यान से, ये देख रहे हैं ना, फेदर, फेदर यानी कि पंख। जो फेदर होता है वो कहाँ से आता है, बर्ड्स से आता है, और इसका यूज़ हम पिलो बनाने के लिए करते हैं और कभी कभी इसे डेकोरेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। प्योरीफाइड लाइक इज वाइडली यूज इन प्रिपेयरिंग वर्निशेज, पेंट्स, प्रिंटिंग इंक, पॉलिश फॉर फर्नीचर, मेटल एंड गुड्स, इन मेकिंग ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स एंड इन लेदर इंडस्ट्री। जो प्योरीफाइड लाइक होता है ना, यह देखिए लाइक है, वो लाइक इंसेक्ट है। तो जो प्योरीफाइड लैक होता है ना, उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, वार्निश बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, प्रिंटिंग इंक्स बनाने के लिए, पॉलिश करने के लिए फर्निशेस को, और मेटल और बूट्स को पॉलिश करने के लिए, और ग्रामोफोन की रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो और लेदर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे, स्नेक ईट रैट्स दैट लिव इन फील्ड, frog eat insect, thus they prevent destruction of crops in the field. जो स्नेक, खुद मैंने आपको बताया था कि सब एक दूसरे को, सारे जानवर एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं। तो जैसे आप देखिए कि जो स्नेक होता है वो रैट को खा लेता है जो कि फील्ड में रहता है, और फ्रॉग और इंसेक्ट जो होते हैं वो इसे, स्नेक को फील्ड में नहीं आने देते, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो फील्ड का जो क्रॉप होता है वो बच जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे। एग योक, येल्लो इंटरनल पार्ट ऑफ बर्ड्स एग। मैंने आपको दिखाया था जो येल्लो पार्ट एग में होता है ना, उसे हम एग योक कहते हैं। नेक्टर, अ शुगरी फ्लूइड विद इन फ्लावर्स। नेक्टर क्या होता है, जो फ्लावर्स में से इसे लिया जाता है। लेदर, द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स, यानी मरे हुए जानवर की स्किन को हम लेदर कहते हैं। स्लेज, अ व्हीकल ऑन स्नो पुल्ड बाई एनिमल्स। स्लेज क्या होता है, वो व्हीकल होता है जिसे, यानी कि वो गाड़ी होता है, वो साधन होता है जिससे क्या करते हैं, स्नो में हम उसे पुल करते हैं, पुल करके हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। थेरेपी, ट्रीटमेंट टू हील अ डिसऑर्डर, यानी किसी भी बीमारी को ठीक करने के जो ट्रीटमेंट होता है उसे हम थेरेपी कहते हैं। प्लगिंग, टर्निंग द सॉइल ऑफ अ फार्मलैंड विथ अ प्लग, यानी कि जब आपने देखा होगा प्लगिंग किसे कहते हैं, जब सॉइल में कुछ बोने के लिए उसे कोड़ा जाता है ना, तो उसे प्लगिंग कहते हैं।
tilting, mixing manner in soil. उसे हम क्या कहते हैं, tilting कहते हैं. जब उस मैरो सॉइल में मिलाते हैं तो उसे हम tilting कहते हैं. Tilting manure. Animal dung used for fertilizing land. ठीक है, हम इसे आप खाद कह सकते हैं. मैन्योर क्या होता है, एनिमल डंग यानी कि जो गोबर होता है जानवरों का, जिसे हम लैंड फर्टिलाइज करते हैं उसे हम मैन्योर कहते हैं. फर्टाइल सॉइल कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड क्रॉप्स. ठीक है, फर्टाइल मतलब क्या होता है, जो लैंड है उसे हम कब फर्टाइल कहेंगे, जब उसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो हम उसे फर्टाइल कहेंगे. ठीक है, अब हम ये देखते हैं, ये समरी है. एनिमल आर गिफ्ट ऑफ नेचर टू अस, दे हेल्प अस अ लॉट. जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे लिए नेचर का सबसे अच्छा गिफ्ट होते हैं जो हमें काफ़ी मदद करते हैं. एनिमल दैट कैन बी टैम्ड एंड कीप्ड एट फार्म आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. वैसे एनिमल्स जिन्हें हम अपने घरों में रख सकते हैं या फार्म्स पर रख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं. वी गेट मिल्क फ्राम काउ बफेलो एंड गोट. हमें मिल्क कहाँ से मिलता है, काउ बफेलो या गोट से मिलता है. वी गेट मीट फ्राम गोट शीप चिकन एंड फिश. हमें मीट कहाँ से मिलता है, गोट शीप चिकन एंड फिश से. हनी बी मेक हनी फ्राम द नेक्टर ऑफ फ्लावर एंड स्टोर इन बी हाइव. जो हनी भी होती है वो फ्लावर के नेक्टर्स से हनी बनाती है और उसे स्टोर करती है बी हाइव में. वी गेट वूल फ्राम शीप एंड सिल्क फ्राम सिल्क वॉर्म. हमें जो वूल है वो शिप से और जो सिल्क है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है. द स्किन ऑफ सम डेड एनिमल्स लाइक स्नेक क्रोकोडाइल बफेलो एंड कैमल इज यूज्ड एज लेदर. कुछ ऐसे डेड एनिमल्स के स्किन होते हैं जैसे कि स्नेक क्रोकोडाइल बफेलो कैमल जिसका हम यूज करते हैं जो लेदर के रूप में. ठीक है, सम एनिमल लाइक ऑक्सन हॉर्स डंकी एलिफेंट एंड कैमल कैरी लोड फॉर अस. कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे ऑक्सन हॉर्स डंकी एलिफेंट कैमल जो कि लोड को कैरी करते हैं. ठीक है, वी गेट लैक फ्रॉम लैक इंसेक्ट एंड वैक्स फ्रॉम बी हाइव. हमें जो लैक है वो लैक इंसेक्ट से मिलता है और जो बी हाइव है जो वैक्स है वो बी हाइव से मिलता है. ठीक है, अब आपका ये एक्सरसाइज है तो चलिए जरा इस पर भी नज़र देते हैं. वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल विच ऑफ दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. यानी कि हमें तो प्लांट एनिमल से फूड मिलता है, इनमें से कौन सा हमें एनिमल से मिलता है. मैं क्वेश्चन आपको बताती हूँ, आप आंसर खुद से करने की कोशिश करना. स्किन ऑफ फिश ऑफ दिस एनिमल इज यूज टू मेक शू बैग बेल्ट एंड पर्स. इनमें से कौन से एनिमल का स्किन यूज़ करते हैं हम लोग इन सारे लेदर्स के प्रोडक्ट को बनाने के लिए. वी नीड टू मेक थिंग लाइक कर्ड एंड चीज. हमें क्या चाहिए कर्ड और चीज़ बनाने के लिए, तो आप इनमें से टिक करना. द मोस्ट कॉमन पेट इज, सभी जानते हैं कि सबसे कॉमन पेट कौन सा है. फिल इन द ब्लैंक देखेंगे. वी गेट, यहाँ क्या होगा, मिल्क होगा फ्रॉम काउज एंड बफेलोज. ये क्या होगा, हनी भी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड मेक हनी. वी गेट वूल फ्रॉम क्या होगा, शिप. वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क. अब यहाँ आप उसी की तरह थ्री थ्री एग्जाम्पल्स देने पिछले चैप्टर की तरफ, जैसे एनिमल दैट गिव अस मिल्क, तो आप यहाँ पे थ्री एग्जाम्पल्स दो, जैसे कि बफेलो काउ गोट. मिल्क प्रोडक्ट का यहाँ थ्री एग्जाम्पल्स दो. बर्ड जो हमें अंडे देते हैं वहाँ उसका यहाँ थ्री एग्जाम्पल्स दो. एनिमल जो लोड को कैरी करते हैं उसका यहाँ थ्री एग्जाम्पल्स दो. अब यहाँ मैचिंग है तो सिल्क का क्या होगा, आप समझ ही सकते हैं सिल्क वॉर्म होगा. वुल का क्या होगा, लेदर का क्या होगा, मिल्क का क्या होगा, तो आप इस तरीके से इसे कर लेंगे. ट्रू फॉल्स क्या है, वी मेक कर्ड एंड बटर फ्रॉम मिल्क. क्या हम जो बटर और कर्ड होता है मिल्क से बनाते हैं, अगर हाँ तो यहाँ आप ट्रू लिख दीजिएगा, अगर गलत तो फॉल्स लिखिएगा. वी गेट वुल फ्रॉम शिप. सिल्क यानी कि हमें शिप से वुल मिलता है. सिल्क इज अ प्लांट प्रोडक्ट. सिल्क जो होता है वो प्लांट का एक प्रोडक्ट होता है. अर्थवर्म आर फार्मर्स एनिमीज. क्या अर्थवर्म जो होते हैं फार्मर एनिमीज होते हैं. सम एनिमल हेल्प अस ऑन फार्म. क्या हमें कुछ एनिमल फार्म पर हेल्प करते हैं, तो आप इन्हें खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. अब हम देखेंगे ये एक्टिविटी है, तो आपको करना ये है कि जितने भी एनिमल्स दिए हुए यहाँ पे इनके जो बेबीज होते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक है, थैंक यू.